हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, 12x² - 7x + 1, ठीक। इंग्लिश में इसको फैक्टराइज करना बोलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जैसे दे रखा है वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका और इसका यानी लास्ट में जो है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 एकम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं इस 12 को, यानी जो भी प्रोडक्ट आया है आपका 12 और 1 का प्रोडक्ट हमारे पास 12 आया। इसी तरह कोई भी संख्या दे रखी होगी आपको तो उसका भी ऐसे ही करना है। तो इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कीजिए ताकि जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो कितने से, 4 × 3 = 12 होता है ना, 4 × 3 = 12, तो ये 4 और 3, और 4 और 3 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 12x² ऐसे कैसे रह जाएगा, फिर 4 × 3 = 12 यानी कि -4x और -3x + 1, ठीक है। 4 × 3 = 12 आ जाएगा ये जो प्रोडक्ट आया है इनका लास्ट वालों का, और उसके बाद 4 और 3 को -−+, ठीक है, और माइनस का साइन रहेगा ऐसे कैसे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे इसका और इसका, यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो देखिए 12 और 4 में कॉमन किससे चला जाएगा, 4x से चला जाएगा, तो 4 × 3 = 12, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हम लोग ले रहे हैं, यानी कि वो संख्या बाहर कर दीजिए जिस जो इन दोनों को भाग देता हो, ठीक है। तो माइनस का माइनस और 4 एकम 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस, तो माइनस, ठीक है, -1 कर देंगे। अब इसको भी कॉमन करेंगे तो ये 1 सबको डिवाइड कर देता है, तो 3x और प्लस माइनस भी देखेंगे, प्लस माइनस माइनस और 1 × 1, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, ये देखिए एक जैसी संख्या आ गई दोनों, तो एक तो ये हम लोग ले लेंगे 3x - 1, और ये जो बचे हुए हैं वो संख्या एक जगह रख लेंगे, बची हुई संख्या को एक जगह लिखेंगे 4x - 1। तो ये आपका आंसर हो गया, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं या गुणनखंड बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।